अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज वो न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन, इससे पहले कि हमें पता है कि जब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिंदा रहने के लिए और लाइफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गुज़ा की ज़रूरत होती है, यानी जिसको हम फूड कहते हैं। ये फूड जो है, इसमें क्या क्या होता है? जो हम फूड खाते हैं, इसमें न्यूट्रंट्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक, इसमें फैट्स होते हैं, ओके, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं। ये सब मिला के हमारा गुजा बनता है, ये फूड है। यानी इसमें जो न्यूट्रंट्स होते हैं, यही न्यूट्रंट्स तमाम ऑर्गेनिजम्स को बॉडी डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। तो जो भी हम गुज़ा खाते हैं, या तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या तो उसमें फैट्स होंगे, या तो उसमें प्रोटीन्स होंगे, या तो मिनरल्स होंगे, या विटामिन्स होंगे। और यही कार्बोहाइड्रेट्स, यही फैट्स, यही प्रोटीन्स, यही मिनरल्स, यही विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, लाइफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है। तो अब हमें पहली बात तो हमें पता चली कि जो फूड है या न्यूट्रंस जो है, ये क्या क्या है। ओके, यही फूड जो है, यही फूड जो ऑर्गेनिजम्स इनटेक करते हैं अपनी माउथ के जरिए से, यानी टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, खासकर हम एनिमल्स जो हैं, हम अपना गुजा जो है, वी आर टेकिंग आवर फूड इनटू द माउथ, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, okay, taking off nutrients into the mouth and utilize it, after that it gets utilized, that is called nutrition. Nutrition means, can we define it as the taking of food into the mouth or taking of nutrients into the mouth? That is called nutrition. This nutrition, there are two main modes of nutrition. Number one is called autotrophic nutrition. The second one is called heterotrophic nutrition. Okay, autotrophic nutrition or heterotrophic nutrition, they are the two modes of, main modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto means, you know that Greek word hai, ye dono, troph and auto, that's called cella. This is called a nutrition. Okay? It means that auto, first of all, we should know what are autotrophic organisms. They are called autotrophs. Autotrophs. Ye koon se organism hai? Organisms which make their own food, जो अपना गुजा खुद तैयार करते हैं, वही autotrophs होते हैं। और the mode of their nutrition is called, their mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Organisms which make their own food, which prepare their own food, that they are called autotrophs, and their mode of nutrition, जो उनके mode of nutrition है, that is called autotrophic nutrition. Like plants, example, plants, bacteria, algae, ये सब autotrophs हैं. सब autotrophs हैं.
किसके जरिए से ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब ये है अब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस विच प्रिपेयर दियर ओन फूड ऑटोट्रॉफ्स विच प्रिपेयर दियर ओन फूड एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू टेक फूड फ्रॉम दे प्रोड्यूस दियर ओन फूड दे मेक दियर ओन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर दियर डेवलपमेंट फॉर दियर ग्रोथ फॉर टेकिंग एनर्जी so that their body can grow, their body can develop easily. So the plants are autotrophs, bacterias, green bacterias are autotrophs, algae is autotroph, alga are autotrophs. So there are two main, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि दो main types हैं इसके autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. और इस वक्त मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये फूड और जब हम फूड अंदर लेते हैं अपने माउथ में तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इसके दो मोड्स हैं ऑटोट्रॉफिक और इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दी और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑटोट्रॉफ्स जो है तैयार करते हैं गुजा किस प्रोसेस से तैयार करते हैं किस तरह से अंदर लेते हैं.